स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल, सपोर्टिंग स्टाफ और हमारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आप जैसा जानते हैं, यू नो दैट, क्यों हम आज के दिन 15 अगस्त के दिन यह तिरंगा फहराते हैं। आप बहुत सारे हमारे सीनियर बच्चे पढ़े भी होंगे कि कितनी मुश्किल से हमें यह आजादी मिली और उस आजादी को याद के रूप में यह आजादी हमारी खाली नहीं जाए, जो हमारे वीर सपूतों ने, हमारे पुराने वीरों ने जो लड़के फ्रीडम लिया था, वह बर्बाद ना हो। हम फिर से गणतंत्र स्वाधीन जो है, तो फिर से हम स्वाधीन आजाद मुक्त जो है, हम लोग फिर से गुलामी में ना चले जाए। जैसे भारत को बनाने में आप देख रहे हैं कि 75 वर्ष आज आजाद हुए हो गया, हमारा भारत आज कितना आगे बढ़ा है। हाँ, इसमें बहुत सारी कमियां भी है जो हमें सुधार करना पड़ेगा और वह सुधार आप बच्चों से भी स्टार्ट होता है। जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने बोला कि कर्तव्य बोध, अगर हम आजाद हुए हैं तो इस तिरंगे के सामने आज यह याद करके, यानी कसम खाना है, प्रण लेना है कि हम कल से जो इस आजाद जो भारत है उसको और ऊंचाई में करने के लिए हम अपना एक एक कर्तव्य, एक एक कर, एक एक समय देंगे। जैसे हमारे टीचर्स हैं, उनका काम इस भारत के शान को तभी पूरा करेंगे, आजाद और महान बनाएंगे कि अपना बच्चों का जो भी टाइम हो, बच्चों की जो व्यवस्था हो, बच्चों को जो हक मिलना चाहिए वो अगर ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो भारत और भी गौरवान्वित होगा। आप जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, माता पिता इसलिए भेजते हैं कि आप पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करें। जैसे यह तिरंगा भारत का नाम रोशन कर रहा है, वैसे आप परिवार का, स्कूल का नाम रोशन करें। हमारी 12वीं कक्षा की छात्रा बड़ा विक्षोभ कर रही थी, क्या यही आजादी है? मैं इसे प्यार से कहूंगा कि हाँ, आजादी में देखो कितनी समानता है, कि लोग कितना भावना है कि नदी को गंगा को माँ कहते हैं, पत्थर को भगवान समझते हैं, यानी अपना समर्पण, अपना जो त्याग है उस पत्थर में ही नहीं है, यानी विश्वास बन के अपने कोई काम को करना है। और अगर कोई नदी को गंगा करता है तो वह आजादी या अपने कर्तव्य से विमुख होता है, तो इसलिए कर्तव्य से विमुख नहीं है। रही बात नारी शक्ति की, तो आजादी के पहले आप देखे होंगे कि नारी की क्या शक्ति था। आज हमारी जितनी भी बच्चियां हैं, आम फोर्स से लेके हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। आज महिला ये देश की दूसरी बार 75 साल में दूसरी बार महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है, तो यह बढ़ते हुए भारत का यह बोध है। फर्क इतना है कि आप अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। अगर आप आए हैं सकारात्मक सोच रखिए, हटा के अगर आज 15 अगस्त को बच्चों में कोई तकलीफ हुई है तो यह चेष्टा रहनी चाहिए कि आगामी साल जब हम 15 अगस्त मनाए तो बच्चों को बैठने के लिए सुविधा हो, अगर 1 घंटे का प्रोग्राम हो, तो इससे सीखना है। गलती होती है तो उसको टालना नहीं है, उससे अपने आप को डिजिटलाइज नहीं करना है। अगर कल क्वेश्चन
पेपर में 10 मार्क मिला है तो परसों 15 करना है, यानी यह क्या है, यह बोध है। और यह कब कर सकते हैं, जब आप आजाद हुए 15 अगस्त या आजादी या फ्रीडम है गलती करने का भी और उसको सही करने का भी, जो कि यह हक 15 अगस्त के पहले आजादी के पहले हम लोग के पास नहीं था। आप बोल नहीं सकते थे, आप 10 आदमी आप राष्ट्र काम नहीं जा सकते थे, तो इसलिए समय कम लेते हुए बहुत चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सभी बच्चों से बोलूंगा कि एक बार हमारी आकांक्षा बोली कि नारे लगाने से बोध नहीं होता। जैसा आप प्रश्न पढ़ते हो क्वेश्चन याद नहीं होता तो बार बार पढ़ते हो तो वो याद हो जाता है, तो इसलिए नारा हम लोग लगाते हैं ताकि हमें गर्व महसूस हो, हमें याद रहे कि हमें बड़ी मुश्किल से हमारा जो स्वतंत्र हम आजाद हुए हैं यह आजादी हमें हाथ मिली है। तो एक बार जोरदार से बोले भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मेरा भारत का। और हमारे सभी पार्टिसिपेंट जो बच्चों ने बहुत सुंदर भाषण दिया, यहाँ वीर भगत सिंह जी भी बने हुए हैं, उन सभी को धन्यवाद करते हुए हमारे सभी शिक्षक यहाँ जो अपना मौजूद समय दिए और बच्चों को प्रोत्साहित किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 15 अगस्त के दिन आप सभी को विशेष बधाई। जय हिंद, जय भारत।